क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों सबों को जय यीशु। हमारे जीवन में दुखों का क्या कारण है? क्या हमारे पूर्वजों के कर्मों की सजा है या हमारे कार्यों की सजा है? मेरे प्यारे मित्रों, सामान्य काल के 26वें रविवार में नबी एज़ेकियल के अध्याय 1 से लिए गए वचन हमारे सामने यही प्रश्न प्रस्तुत करता है। यह वचन एक कहावत के इर्द गिर्द घूमता है जो एज़ेकियल नबी के समय यहूदा के लोग इस्तेमाल करते थे। कहावत यह था कि अगर माता पिता ने खट्टे अंगूर खाए हैं और बच्चों के दांत किनारे पर आ गए हैं। इस कहावत का अर्थ यह है कि माता पिता ने कच्चे अंगूर खाए हैं जिसका स्वाद उन्होंने बच्चों को दिया है, जिसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान पीढ़ी उस अन्यायपूर्ण सजा को सह रही है जिसकी गलती पूर्वजों ने की है। यही यहूदी लोगों की शिकायत थी। यूदा के लोग जब बाबिलोन के गुलाम बन गए तो उन्होंने इस कहावत का यह अर्थ निकाला कि हमारी गुलामी की वजह हमारे माता पिता के पापों का फल है। उनके शब्दों से अपने आप को निर्दोष मानते हैं और यह यहोवा के हाथों उनके साथ किया गया अन्यायपूर्ण व्यवहार है। इस प्रकार के गंभीर सोच का यह परिणाम हुआ कि उन्होंने अपनी आशा या उम्मीद खो दी। उनका अब यह विश्वास था कि हम कुछ भी कर ले पर अब हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे यहां से बचने का कोई मार्ग नहीं है। वे यहोवा को भी अपने दुश्मन के रूप में देखने लगे। उन्होंने ये पूछने के बजाय कि हम क्या बदल सकते हैं, वे अब आपस में ये कहने लगे कि हमारे पास अब कोई चुनाव या विकल्प नहीं, बल्कि पीड़ा ही एकमात्र विकल्प है। जब लोगों के व्यवहार सुरक्षा और नियंत्रण के लिए राजा, मंदिर आदि जैसी संरचनाएं थी, जब भविष्यवक्ताओं ने लोगों से अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में बात की और कहा कि अगर आगे बढ़ना है तो पश्चाताप ही एक माध्यम है जो मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने का रास्ता है। हमें अक्सर अपने आसपास ऐसे स्वभाव या शिकायत करने वाले लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि आज जो मेरे जीवन में हो रहा है उसका कारण यह व्यक्ति है या उस व्यक्ति के काम है। हमारे जीवन की परिस्थितियां, उदाहरण के लिए हम कहाँ पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, हमें कौन सी शिक्षा मिलती है आदि बातें निश्चित रूप से हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन इसे परिभाषित या सीमित करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी का निर्वाह करने तैयार रहते हैं वे उन स्थितियों से ऊपर उड़ सकते हैं जिसमें वे स्वयं को पाते हैं। आज हमारे सामने ये चुनौती है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है उसके लिए बहाने बनाने और दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। हमें अपने जीवन को ईमानदारी पूर्वक देखते हुए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए परमेश्वर की बुलाहट की ओर मुड़ना है। दूसरे पार में संत पौलुस ने फिलिपियों के लोगों के सामने कुछ बातें रखते हुए ये बताया है कि यीशु मसीह के अनुयायियों को कैसा होना या रहना चाहिए। उन्होंने उन उपहारों का भी उल्लेख जो फिलिपियो विश्वासियों को मिला था, मसीह में प्रोत्साहन, प्रेम, सांत्वना, आपस में करुणा और सहानुभूति, और फिर उनकी जिम्मेदारियों का उल्लेख करते हैं। वो उनके बीच एक गहरी स्थायी आंतरिक एकता स्थापित करने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस प्रकार की एकता लाने का पहला कदम यह है कि स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षा से प्रेरित ना हो। दूसरी बात, हम विनम्रता रूपी गुण होना चाहिए और किसी को निम्न दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जब आत्मलीन होने की प्रवृत्ति को दूर करते हैं तब स्वाभाविक रूप से दूसरों के हितों और जरूरतों के बारे में अधिक ध्यान रखते हैं।
संत पौलुस इस बात पर जोर देते हैं कि यीशु अपने ईश्वरीय स्वभाव के विशेष अधिकार के बदले एक साधारण मानव दास के रूप में अपने को प्रकट किया। वो अपने आप को इतना नम्र किए कि मनुष्य को भी सभी कमजोरियों के साथ एक बच्चे के रूप में अज्ञात स्थान पर जन्म लेते हैं। वो अपने मृत्यु के क्षण तक अपने स्वर्गीय पिता के नम्रता पूर्व आज्ञाकारी रहे। उन्होंने उस क्रूस मृत्यु को भी सह लिया जो यहूदी के लिए शर्मनाक तरीका था। यह क्रूस मृत्यु ने केवल यीशु को महान बनाया बल्कि पिता ने सारे संसार को पुत्र के अधीन कर दिया। यहूदी संस्कृति के लोग किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उसके नाम को साधारण लेबल से अधिक मानते थे। उनका मानना था कि नाम ही व्यक्ति के चरित्र को व्यक्त करता है। संत पौलुस को इसमें कोई संदेह नहीं था कि सच्चा प्रभु कौन है, कैसा नहीं जिसके सामने वो मुकदमा के लिए खड़ा है, बल्कि यीशु मसीह ही है। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार से लिए गए अंश में मुख्य पुरोहित और फरीसियों के द्वारा उठाए गए सवाल में उनके अधिकारों के बारे में प्रतिक्रिया करते हुए कहते हैं, यीशु ने उन्हें दो पुत्रों की तुलना करते हुए दृष्टांत सुनाया। एक जो पिता से कहता है कि आप जो कहोगे मैं करूंगा पर करता नहीं, एक कीता है मैं नहीं करूंगा। पुरोहितों और फरीसियों को इस दृष्टांत का संदेश समझ गया होगा कि यह उन्हीं की ओर इशारा कर रहा है। कुछ ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि पिता की आज्ञा मानते हैं और कानूनों का पालन करते हैं, पर वे वास्तव में असफल हैं। उस समय के धार्मिक पुरोहितों ने पश्चाताप को स्वीकार ही नहीं किया बल्कि योहन बपतिस्मा देने वाले और यीशु मसीह का इनकार कर दिए। लेकिन उसी समय नाकेदारों और वेश्याओं ने अपने पापों का पश्चाताप करके यीशु मसीह की ओर मुड़े। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के बारे में मनन कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि हमारी मृत्यु के बाद हमसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या आपने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी की या अपने आप की। हमारे मनन चिंतन का अगला प्रश्न यह है कि मैं कौन सा पुत्र हूँ। क्या मैं उस दूसरे पुत्र की तरह हूँ जो भाषण तो बड़े बड़े देता है और मुफ्त में लोगों को सलाह देता है, लेकिन जब किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो उसके लिए मैं उपलब्ध नहीं होता हूँ। या मैं क्या उस पहले बैठे की तरह हूँ जो रास्ते में आने वाले कार्यों और अवसरों से बचकर निकलना पसंद करता हूँ, या मैं उन चीज़ों से जुड़ा रहना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है, जो मैं करना चाहता हूँ। हमारे कार्य हमारे शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों बेटों के बीच महत्वपूर्ण अंतर किसी के मन को बदलने की क्षमता है। पहले बेटे का जीवन एक प्रतिबिंब था कि पिता जो चाहते हैं उसके अनुसार वो प्रतिक्रिया करे, परंतु दूसरे बेटे की प्रतिक्रिया उसके आदत से उत्पन्न हुई है, वहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं है। परिवर्तन हम सभी के जीवन की निरंतरता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां या संभावनाएं होती हैं, हो सकता है जो हमें पसंद नहीं और फिर हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, या फिर हम ये सोच सकते हैं कि इन नई स्थितियों से परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उसके बारे में हम समझें और उन्हें अपनाने का प्रयत्न करें। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन के जिम्मेदारी को निभाने के लिए पिता परमेश्वर से कृपा के लिए प्रार्थना करें और केवल वचन को सुनने और बोलने वाला ना हो बल्कि उस वचन पर चलने वाले बनें।